हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप के प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, जिसमें एक कॉम्पैक्ट पाउडर और एक फाउंडेशन है। ये मैंने अमेज़ॉन के ऐप क्लोरोड से लिया था। तो फिटमी के प्रोडक्ट हैं ये, पिक्चर में दिखाया गया था और इसकी पूरी ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी कि ये फिटमी के प्रोडक्ट हैं, फाउंडेशन और उसके अलावा कॉम्पैक्ट पाउडर था। तो फिटमी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मैं इसके पहले भी यूज़ कर रही हूँ, वो देख कर ही मैंने इसे मंगाया था। लेकिन आने के बाद मैंने देखा तो ये पूरा ही डिफरेंट प्रोडक्ट था, जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो नहीं था, उससे बिल्कुल हटके और अलग था। तो देखते हैं सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इस कॉम्पैक्ट पाउडर पर HDA लिखा है, तो ये हुडा के डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ये पाउडर की क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट प्रोडक्ट है तो इस्तेमाल करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने फेस पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसका शेड है, काफ़ी अच्छा शेड है। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन टोन पर भी जो है बहुत अच्छा दिखाई देगा अगर फेस पर लगाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि स्किन पर जो है थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है हमारे चेहरे की स्किन के लिए। ये दूसरा जो था ये फाउंडेशन का एक ट्यूब था, इस पर लिखा हुआ तो फिटमी है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत पुरानी ट्यूब है या फिर यूज़ करके या ओपन की हुई ये ट्यूब ऐसी लग रही थी मुझे। शेड नंबर 125 है, तो काफ़ी सस्ते दामों में मैंने लिया था तो उस हिसाब से ही उसके प्रोडक्ट मुझे मिले हैं। तो ये मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, तो फिटमी की एक फाउंडेशन की ट्यूब थी और जो कॉम्पैक्ट पाउडर था वो तो HDA का लिखा हुआ था, हुडा का नहीं था ना ही फिटमी का था। उसी के साथ जो है ये अप्लाई करने पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम अगर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ठीक है। ये 125 नंबर फिटमी का शेड है, साथ में मैंने इसके ऊपर ये कॉम्पैक्ट लगा लिया है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने अपने हाथ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया है इस वीडियो में। उसी के साथ जो है ये काफ़ी कम रेट में मैंने मेकअप के प्रोडक्ट लिए थे, तो उसके साथ जो है मुझे एक ये स्पंज भी था। तो तीन प्रोडक्ट मिले थे, कॉम्पैक्ट पाउडर, फिटमी की फाउंडेशन और ये वाला जो था ये एक स्पंज मिला था, जिससे कि हम अपना मेकअप अप्लाई करते हैं पाउडर वगैरह या फाउंडेशन वगैरह को जो है हम इसे यूज़ कर सकते। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये बहुत अच्छा मिला था, बाकी दोनों चीज़ों के मुकाबले में तो मुझे स्पंज ही अच्छा लगा। तो हमारे चेहरे की स्किन के लिए सही और अच्छे प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।